हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे हेल्दी विथ नेचुरल टिप्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। इस वेदर में डाइट का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम सन रेज काफ़ी शार्प होती हैं। हमें गर्मियों में डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो हॉट वेदर को कम्पीट कर सके। गर्मियों में डाइजेशन सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए ताज़ा और हल्का डाइट लें। गर्मी के मौसम में पानी भरपूर मात्रा में पिएं, इसमें डिहाइड्रेशन और लू लगने की आशंका कम रहती है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी विषैले तत्व को बॉडी से बाहर निकाल देता है, इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में हल्का आहार, सैलेड, चावल, घी, दूध का सेवन अवश्य करें। दूध में शहद मिलाकर पीने से डाइजेशन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रेंड्स, धूप में निकलने से पहले पानी ज़रूर पिएं, इससे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। गर्मियों के मौसम में पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, सलाद का सेवन अवश्य करें, क्योंकि इसमें पानी भरपूर मात्रा में होता है और इससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। इस मौसम में लिक्विड डाइट अधिक से अधिक शामिल करें। डाइट में तरबूज, खरबूज, खीरा, पुदीना को अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा 90% होती है और इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखें कि तरबूज का सेवन रात में ना करें, क्योंकि इसमें कुछ एसिड और फाइबर पाया जाता है जो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। गर्मियों के मौसम में प्याज का प्रयोग सैलेड के रूप में अधिक करें। प्याज के नियमित सेवन से लू नहीं लगती है और गर्मी से जुड़ी कई बीमारियाँ दूर रहती हैं। इन दिनों ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें, क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। बासी खाना खाने से परहेज करें, फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। कैफीन से दूर रहें, इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। इसकी जगह आप नींबू का पानी पी सकते हैं, क्योंकि नींबू पानी गर्मी में राहत दिलाता है। शरीर में गर्मी के चलते कम हुए लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। गर्मियों में छाछ को अमृत के समान माना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखता है। अगर आपको तुरंत बॉडी में ठंडक चाहिए तो आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में माथे पर चंदन का लेप लगाने से शरीर में ठंडक बनी रहती है। गर्मियों में हमेशा हल्के और कॉटन के कपड़े पहनें। इस मौसम में सत्तू का प्रयोग काफ़ी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि यह पेट की गर्मी को शांत करता है। सत्तू में चीनी मिलाकर इसका सेवन करें। गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक का यूज़ नुकसानदायक होता है, इसकी जगह आप सत्तू का शरबत बनाकर पिएं, इससे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। गर्मी के मौसम में दूषित जल और बाहर के कटे खुले खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि इसमें हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसे संक्रमणों का खतरा रहता है। घर पर बना सिंपल और डाइजेस्टिव फूड ही खाएं। गर्मियों के मौसम में नारियल पानी स्वस्थ खाद्य पदार्थों में से एक है। इसमें चीनी, इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। एक गिलास नारियल पानी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संरचना को बढ़ाने में मदद करता है, तो गर्मियों में नारियल पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।